टू माई चैनल एवी रॉक सिम्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर लीग का बहुत बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पेरू के बीच एक घंटे बयालीस मिनट के बाद बराबर की टक्कर यह मत समझना कि ऑस्ट्रेलिया तेज है ऑस्ट्रेलिया तेज नहीं है भाई पेरू के आगे पेरू टीम बहुत तेज है मैं आपको क्लियर बता दूं सबसे पहले हम बात करें टेलीग्राम चैनल की देन ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दो दिन से ओपनिंग नहीं दी क्योंकि पहले भाई हम अपना वो कर रहे थे मैं ना एक्चुअली ट्रायल मैचे में कम बैक कर रहा था क्योंकि यू एफ लीग के अंदर क्या है प्रैक्टिस कर रहा था मैं मतलब प्रैक्टिस मतलब इन द सेंस मैंने अभी आप मानेंगे नहीं क्रिकेट भी कवर नहीं किया कल एक भी तो पूरा मतलब एक भी इन द सेंस मैंने टी ट्वेंटी ब्लास्ट लीग कवर करनी छोड़ दी है जिस कारण फुटबॉल में ध्यान लगे तो गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्ताहित नहीं करें वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और नॉलेजेबल है चलते हैं आगे बात करें अगर हम इस मैच की ऑस्ट्रेलिया और पेरू में मेरे हिसाब से भाई ये गेम पेरू ले जाएगा और पेरू क्यों जीतेगी उसके पीछे का रीजन आपको बता दूँ लेकिन गोल दोनों तरफ से हो जाए मेरे तरफ से ऑस्ट्रेलिया पाँच दो से जीत जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यार गोल दोनों तरफ से होना चाहिए बस इतना मैं कहूँगा सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रो गैलिस की तो यहाँ पर अगर आपको पता है मैंने पेट्रो लिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये मस्ट पिक है ये मस्ट पिक नहीं है इसकी जगह आप रियान लेना चाहो अभी बदल सकते हो और मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको यही राय दे रहा हूँ कि हम डबल साइड है अगर आप पेरू के साथ अगर आप पेरू के गोल के साथ ना जाकर ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर को चुनना चाहते हो तो से चुनो और अच्छा है आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की यहाँ पर है और लुइस तो लुइस एडविन कोला को तो आप अच्छी तरह जानते ही हो पेरू का एकमात्र सबसे ज़बरदस्त प्लेयर एडविन कोला जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव कर लगता है बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है यार एंड सैनिसवरी की बात करें ट्रेंड सैनिसवरी नहीं खेला तो इसके बजाय मैं लूँगा या तो डिविटसन अगर खेला अगर ये भी नहीं खेला तो फिर मैं हार डाल दूँगा पेरू के गोल की पेरू के डिफेंडर पे एंड आप बी राइट की बात करें बी राइट ने एक यू एफ ए यू ई एफ ए नेशंस लीग या पता नहीं ईको ECO... नहीं सॉरी या इन्होंने इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में गोल किया था बी राइट ने जिस दिन इसकी सिलेक्शन चालीस के करीब थी और जिस दिन हम मैच जीत गए थे सिर्फ so, बी राइट के कारण सो बी राइट इट्स अ ग्रेट प्लेयर आगे से अगर बात करें बहिच की तब तो यहां पर मैं लूंगा अजीज़ बहिच को अजीज बहिच शायद खेल जाए नहीं खेलेगा तो बदल लेंगे क्योंकि अभी बहुत पिक्स हैं कैलन्स वगैरह हैं पेरू के तो बहुत ऑप्शन है आगे से अगर बात करें एफ फ्लोर्स की ई फ्लोर्स को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर एडिसन फ्लोर्स एडिसन फ्लोर्स को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ जो कि दो बार से कंसिस्टेंसी में गोल कर रहा था फैप के मंथ में लेकिन उसके इसकी कंसिस्टेंसी नहीं रही इसने पूरा का पूरा मार्च अप्रैल मई के मंथ के अंदर ठीक ठीक खेला और मैं चाहता हूं कि अगर इसकी जगह कैरी लो या फिर एस पेना खेल जाए तो ज़्यादा अच्छा है एंड हरुस्तिक की बात करें हरुस्तिक को स्ट्राइकर बना दिया गया है पिछले मैच में भी इसने स्ट्राइकिंग की थी दैट्स वाई एक मेन ऑप्शन निकल के आता है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का कुएवा की बात करें यहाँ पर मैं दूंगा कुएवा को क्रिश्चियन कुए इज़ ऑल्सो ए गुड प्लेयर कुएवा को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ खेलने का तौर तरीका ज़बरदस्त है कुएवा का एंड कोएवा ने पेरू के लिए सबसे ज़्यादा गोल किए हैं इस हर सीज़न में आगे से बात करें इरवाइन की इरवाइन पता नहीं पिछले मैच में कैसे कर गया गोल यार अब मेरी मजबूरी बन गई है इस प्लेयर को लेना मैं सही बताऊँ मैं लेना नहीं चाहता था मैं अभी भी सोच रहा था कि लैकी ले लू लेकिन यार अपना क्या है अब ये ना हो कि आज दोबारा कर क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी बहुत है उसमें। आगे से बात करें। प्लेयर की पर में लापाडूला इसको तो छोड़ना मत लापा डूला ने सेकंड नंबर पर हाइस्ट गोल किया पेरू के लिए तो इसको तो निकालने की सोचना भी मत अगर मन में आ भी रही हो एंड एम बॉयल की बात करें आप बॉयल ले लो या मैं जो भी दोनों में से खेला ड्यूक में नहीं लेने वाला अगर मैं या बॉयल में से कोई एक खेला तो मैं उसके साथ जाऊंगा एंड आगे से बात करें कैप्टन की कैप्टन है कुएवा वाइस कैप्टन है सो दिस इज माय टीम बाकी मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ एक ऑप्शन ऑप्शन बॉयल भी अच्छा है एक ऑप्शन लेपरडूला बस ये दोनों ऑप्शन है और ज्यादा कंफ्यूज मत हो बिल तो नेक्स्ट वीडियो में